राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक चश्मे को नीलामी में एक अमेरिकी शख्स ने खरीदा। सोने की परत चढ़े हुए चश्मे के बारे में बताया गया कि ये चश्मा उनके चाचा ने उस वक्त दिया था जब वो दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे थे। ये 1910 से 1930 के बीच का दौर था। दरअसल इस चश्मे की ऑनलाइन नीलामी ब्रिटेन में हुई। इसकी नीलामी ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शंस एजेंसी ने की है। इसे शख्स ने 2.55 करोड़ रुपये में खरीदा। बोली जीतने वाला शख्स अमेरिका में कलेक्टर है। लेकिन इस चश्मे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल पिछले महीने एक ऑक्शन हाउस के स्टाफ को चश्मा कंपनी के लेटर बॉक्स के लिफाफे में पड़ा मिला था, जिसके बाद शुक्रवार को इसकी नीलामी की गई। बताया गया कि गांधी जी का ये चश्मा महज 6 मिनट की बोली के बाद ही बिक गया, वो भी अनुमानित बोली से करीब 20 गुना ज्यादा पर। मिली जानकारी के अनुसार उनके परिवार के पास ये चश्मा पिछली कुछ पीढ़ियों से था। 1920 में परिवार को चश्मा अपने एक रिश्तेदार के जरिए मिला था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिला था। नीलामीकर्ता एंड्रयू स्टोप के मुताबिक ये चश्मे उनकी कंपनी के कर्मचारी को लेटर बॉक्स में लिफाफे में बंद मिले थे। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक ये लिफाफा लेटर बॉक्स में ही पड़ा रहा। हालांकि जब स्टोप को ये चश्मा मिला तो उन्होंने इसकी जाँच शुरू की। इसमें सामने आया कि गोल बनावट वाले ये गोल्ड प्लेटेड चश्मे गांधी जी के चश्मे पहनने के शुरुआती समय के हैं, जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे, क्योंकि इनकी पावर काफी कम है। स्टोव ने इसे अपने जीवन की सबसे अहम खोज माना। नीलामी एजेंसी के मुताबिक चश्मे की नीलामी से पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि करीब 14 लाख रुपए से अधिक कीमत में बिकेगा, लेकिन बोली लगाने के दौरान चश्मे की कीमत 2 करोड़ के ऊपर पहुंच गई। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।